पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप जैसे मांसाहारी पौधों के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन क्या आप इस पौधे के बारे में जानते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रोसेरा की। ड्रोसेरा, जिसे आमतौर पर संड्यूज के नाम से जाना जाता है, यह कम से कम 194 प्रजातियों वाला एक मांसाहारी पौधों की सबसे बड़ी श्रृंखला में से एक है। ड्रोसेरासी परिवार के ये सदस्य अपनी पत्ती की सतहों को ढकने वाली डंठल वाली श्लेष्मा ग्रंथियों का उपयोग करके कीटों को आकर्षित करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और पचा लेते हैं। हर महाद्वीप पर एक संड्यू प्रजाति बढ़ती है। संड्यू वास्तव में गीले क्षेत्रों का आनंद लेता है जो कीड़ों से घने होते हैं। यह दलदली क्षेत्रों, खाड़ी और दलदल में उगना पसंद करते हैं। संड्यू फूल के रंग हल्के पीले से लेकर पेस्टल लैवेंडर तक हो सकते हैं। वे आधार से लंबवत बढ़ते हैं। जितना अधिक भोजन संड्यू की पहुँच में होता है, उतनी ही बेहतर संभावना होती है कि वह अपने सुंदर फूल पैदा करे। फूल एक लंबे पतले तने के साथ मोती की तरह दिखाई देते हैं, जो नुकीली चिपचिपी आधार से नाजुकता से उगता है। संड्यू के फूलों के खिलने का समय कम होता है, बस दिसंबर से जनवरी तक। उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़े पौधे की पत्तियों पर चिपचिपी ओस की ओर आकर्षित होते हैं। एक बार जब वे उतर जाते हैं तो पौधे अपनी पत्तियों को शिकार के चारों ओर लपेट देता है। कीट या तो दम घुटने या थकावट से समाप्त हो जाते हैं। दिखावटी के संड्यूज के लिए कीट को पूरी तरह से निकलने में 30 मिनट तक का समय लग सकता है। कभी कभी सूखे संड्यू का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। लोग ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, काली खांसी, पर्टुसिस, कैंसर और कई अन्य स्थितियों सहित सांस लेने की विभिन्न समस्याओं के लिए संड्यू लेते हैं, लेकिन इन उपयोगों का समर्थन करने के लिए कोई अच्छा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट पसंद आए होंगे। धन्यवाद।